राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मिशन 2019 के तहत लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखें आ चुकी हैं। ये चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच होगा, जिसके नतीजे 23 मई को आ जाएंगे। लेकिन इन चुनावों को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी ने अपना डर जाहिर कर दिया है, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल उनका ये डर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर है। रविवार को एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा, आज प्रत्येक देशभक्त का लक्ष्य मोदी सरकार को सत्ता में वापस आने से रोकना होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी सन 2019 में सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी अनंत काल के लिए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देश में 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।